हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आंवला बीटरूट माउथ फ्रेशनर, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। इसे आप एक बार बनाकर 6 महीने साल तक भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो फ्रेश आंवला, 1 किलो बीटरूट, 750 ग्राम्स मिश्री, 2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। आंवला और बीटरूट को अच्छे से साफ करके हम छिलका उतारकर मोटा मोटा ग्रेट कर लेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को किसी बड़े बर्तन में मिक्स करेंगे। आंवला ग्रेट किया हुआ है, इसमें बीटरूट मिला देंगे। ये विटामिन सी और आयरन के रिच सोर्सेज हैं, इसलिए बहुत हेल्दी हैं। आंवला बीटरूट को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मिश्री डालेंगे। ये मैंने 750 ग्राम्स ली है। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून काला नमक डाला है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। शुरू में मिश्री अपना पानी छोड़ देगी तो ये बहुत गीला रहेगा, लेकिन इसको हम 3-4 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे। धीरे धीरे सारा पानी बीटरूट और आंवला एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए, लगभग 3-4 दिन के बाद ये इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। आंवला और बीटरूट ने पूरा इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। तेज धूप में ये 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट है तो हम इसे और 1-2 दिन के लिए रखेंगे। देखिए, फाइनली ये पूरा ड्राई हो गया है और बिल्कुल रेडी है। इसे अगर हम हाथ में लेके देखें तो ये हाथ के चिपकेगा नहीं, ये इसकी पहचान है कि रेडी है। अब आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं और 6 महीने साल तक यूज कर सकते हैं।